रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने बहनों को फ्री बस यात्रा का उपहार दिया। यूपी सरकार ने माताओं, बहनों और बेटियों के लिए परिवहन निगम की बसेस में 24 घंटे मुफ्त यात्रा का इंतजाम किया गया। आज रात 12 बजे तक महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिल पाएगी। महिलाओं को बस यात्रा के दौरान कंडक्टर की तरफ से फ्री में यात्रा का टिकट दिया जाएगा। उसके साथ ही रक्षाबंधन को लेकर यूपी रोडवेज ने अतिरिक्त बसेस की भी व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के रिटायर पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। रिटायर्ड पेंशनधारियों को पैनल अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं देने की घोषणा की गई है। बिजली मंत्री आतिशी के मुताबिक पेंशनधारियों को मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पैनल अस्पतालों में उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। इस फैसले से दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20,000 से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। नोएडा की सड़कों से करीब 1,000 ऑटो रिक्शा हटाए जाएंगे। ये कार्रवाई उन वाहनों पर की जाएगी जिनके पास अवैध परमिट नहीं है या फिर जिन्होंने फिटनेस जांच नहीं करवाई है। परिवहन विभाग के अनुसार नोएडा में कुल 19,000 से ज्यादा ऑटोज रजिस्टर्ड हैं। इनमें से करीब 1,000 ऐसे जिन्होंने न तो फिटनेस जांच करवाई, न ही परमिट का नवीनीकरण किया। दरअसल पुराने और अनियमित ऑटो की वजह से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है बल्कि प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहे दिल्ली प्रीमियर लीग के चलते ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर रूट डायवर्जन किया है। इसमें खासतौर पर स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इस रोड पर आने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक सड़कों पर डायवर्ट किया गया है। 8 सितंबर तक होने वाले मैचेस के लिए स्टेडियम के आसपास के इलाकों में जाम लगने की आशंका है। इसी आशंका को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर नॉन कम्बैटेंट की भर्ती निकली। आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त यानी कल शुरू होगी। भर्ती में शामिल होने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। इस भर्ती के जरिए अग्निवीर वायु, हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी के नॉन कम्बैटेंट पदों पर आवेदन मांगे गए और इस पद के लिए अविवाहित युवा आवेदन कर पाएंगे।